तुम्हारे किसी एक वर्डप्रेस यूजर का कहना है कि मैं अभी भी वर्डप्रेस सीख रहा हूँ, मैंने एक साइट बनाई है या ब्लॉग बनाया है, मैं साइट या ब्लॉग के अंदर अष्टा थीम यूज करता हूँ, मुझे इस थीम के द्वारा वेब स्टूडियो को ऐड करना है अपनी साइट के अंदर, जैसे कि आपने ये किए हेडर पर, तो वो कैसे होगी? मैं मेन्यू के ऊपर करना चाहता हूँ, जैसे कि कोई कंप्यूटर लैपटॉप के देखे तो वो स्टोरी दिखे, जैसे कि कोई मोबाइल डिवाइस पर देखे तो वो भी दिखे, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मोबाइल डिवाइस पर देखना चाहे तो वो भी दिखे, है ना। तो ये कैसे होगी, कैसे हम वेब स्टोरी को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की होम पेज पर, क्या है तरीका, कौन सा फंक्शन फीचर यूज करें, तो आज हम आपको अष्टा थीम के अंदर बताएं कैसे आप वेब स्टोरी ऐड कर सकते हैं अपनी होम पेज पर, कहाँ मिलता है उसका फंक्शन फीचर। तो इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर साइट के अंदर वेब स्टोरी ऐड करने के लिए आपको पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाना है अपनी साइट के, एंड यहाँ अपेरेंस मिलेगा लेफ्ट साइड में, एंड थीम ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। थीम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कस्टमाइज बटन मिलेगा यहाँ ब्लू कलर का, आप इस पर क्लिक कीजिए। अष्टा थीम यूज कर रहे हैं या अदर यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ कुछ थीम के अंदर वेब स्टोरी ऐड करने का फंक्शन फीचर होता है होम पेज पर, किसी किसी में नहीं होता, जैसे कि जनरल पेज थीम में शायद नहीं है, हमने यूज की थी, लेकिन अष्टा में दिया गया है, ओशियन बी में भी हो सकता है, जो जो थीम में होगा हम आपको बताते चलेंगे। तो अष्टा थीम हमने यूज की तो वहाँ पर वेब स्टोरी ऐड करने का फंक्शन फीचर मिला, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर कस्टमाइज बटन पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेब स्टोरी ऐड करनी है ना, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अष्टा थीम के सभी फंक्शन पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया है वेब स्टोरी, ठीक है, तो आपने वेब स्टोरी डाली होगी अपनी साइट के अंदर, अपलोड की होगी, तभी ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अगर नहीं डालेंगे वेब स्टोरी तो वो क्या शो करेगा, है ना। तो वेब स्टोरी पर क्लिक करेंगे। वेब स्टोरी पर क्लिक करने के बाद तो इस तरह का आपको सामने ऑप्शन आएगा डिस्प्ले स्टोरी, तो इसे टिक मार्क कर देंगे। टिक मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वेब स्टोरी ऐड हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन है, इसको हम समझते हैं और वेब स्टोरी को और भी कस्टमाइज करते हैं। पहला दोस्तों सर्कल कैरोसेल, तो ये डिफॉल्ट शेड रहेगा। नंबर ऑफ स्टोरी, तो आप अपनी होम पेज के डिस्प्ले पर कितनी नंबर ऑफ स्टोरी को शो कराना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ तीन हो तो तीन टाइप कर दूंगा, देखिए तीन आ रही हैं। आप चाहते हैं कि 10 हो तो 10 टाइप करेंगे, 10 स्टोरी आएंगी, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपके में स्टोरी 10 अपलोड होनी चाहिए, ठीक है, तभी 10 शो कराएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ऑर्डर बाय डेट, तो जिस डेट पर अपलोड हुई है उस हिसाब से आपको रखना है, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। टाइटल लेना है तो टाइटल के हिसाब से भी रख सकते हैं। ऑर्डर बाय डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डेट या टाइटल। ऑर्डर डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, तो असेंडिंग डिसेंडिंग अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। असेंडिंग में रखना है तो असेंडिंग में आ जाएगा, ये देखिए वेब स्टोरी, ये देखिए, है ना। एंड यहाँ पर सर्कल साइज, जो सर्कल है इसका साइज आपको कैसा कितना रखना है, मैं चाहता हूँ सर्कल का साइज हो यहाँ पर 50, तो देखिए यहाँ पर 50 आ जाएगा साइज, देखिए छोटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर बेस्ट है कि आप यहाँ पर 10 रखिए, 100 रखिए, सॉरी यहाँ पर 100 रख दिया, ठीक है। बाकी सब आप ऐसा ही छोड़ दें एंड पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद रिफ्रेश करते पेज को, तो देखिए यहाँ पर वेब स्टोरी आने लगी, एंड इस पर क्लिक करेंगे तो कोई भी यूजर वेब स्टोरी को देख सकता है, ये देखिए, है ना, ये देखिए कोई भी देख सकता है। तो इस तरह से आप वेब स्टोरी को ऐड करते हैं। अगर आपको लगे भविष्य में मुझे साइट से वेब स्टोरी को उठाना है, मुझे शो नहीं कराना, तो डिस्प्ले स्टोरी जो चेकबॉक्स है इसको आप डिसेबल कर देंगे, वेब स्टोरी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, है ना। तो आपको ऐड करना है नहीं करना है यहाँ से आप तय करेंगे। तो इस तरह से आप अष्टा थीम के द्वारा वेबसाइट ब्लॉग के अंदर होम पेज पर हेडर पर वेब स्टोरी ऐड कर सकते हैं अपने यूजर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड थैंक्स एंड बाय बाय।